हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए जो अभी अभी क्लास 10th पास किए हैं और वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम बीएससी एजी करें, तो उनके लिए ये बात जाना ज़रूरी है कि अगर आप आगे चल के एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप के लिए ये अच्छा होगा कि आप एग्रीकल्चर से 12th करें, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये बात बहुत लोग को मालूम नहीं है कि 12th से एग्रीकल्चर भी होता है, ठीक है। क्योंकि ये कॉलेज जो है बहुत कम है, एग्रीकल्चर कॉलेज जो कि 12th, वो बहुत कम है, ठीक है। अगर हम बोले तो ये जैसे कि अगर हम बिहार का बात करते हैं तो बिहार में टोटल एग्रीकल्चर कॉलेज जो है वो 34 है, ठीक है। और 34 एग्रीकल्चर कॉलेज है जिसमें कि प्रत्येक जो कॉलेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ 40 सीट है, ठीक है। और जैसे कि अगर हम ये बोले कि मैथ और बायोलॉजी, तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे ये कोर्स अवेलेबल है, मैथ और बायोलॉजी, ठीक है। तो देखिए, अगर हम एग्रीकल्चर से 12th करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्ज़ाम हम बीएससी एजी के लिए देते हैं तो अगर 100% सीट होगा जिसमें 50% सीट एग्रीकल्चर, वैसे स्टूडेंट जो 12th से एग्रीकल्चर किए हों, ठीक है, 12th से जो एग्रीकल्चर करेंगे उनके लिए 50% सीट जो है वो रिजर्व रहेगा। और इधर जो 50% सीट जो बचा उसमें वैसे स्टूडेंट रहेंगे जो 12th में मैथ लिए थे और बायोलॉजी लिए थे, तो उनके लिए एग्रीकल्चर, वैसे स्टूडेंट एग्रीकल्चर के लिए वो 50% सीट रिजर्व हुआ। और इधर जो दो सब्जेक्ट लिए, मैथ और बायोलॉजी, उनके लिए 50% हुआ। तो अगर हम मैथ की बात करें तो हमारे लिए सिर्फ 25% सीट बचा और बायोलॉजी वाले के लिए भी 25% सीट बचा, ठीक है। और जनसंख्या का बात करें तो ये जो मैथ और बायोलॉजी वाले लोग हैं इनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है और सीट कम होती है, 25% में 25 मैथ और 25 बायो, ठीक है, इसमें दो सब्जेक्ट वाले आ गए। और वैसे स्टूडेंट भी इसमें शामिल हैं जिनको बीएससी एग्रीकल्चर करना है बट उन्हें पता नहीं है कि एग्रीकल्चर से 12th होता है, तो वो कोई एक सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं, या तो मैथ या फिर बायोलॉजी, और वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। और जो स्टूडेंट मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे थे जो बायोलॉजी लेकर के, वो स्टूडेंट भी इसमें आ जाते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग के लिए मैथ लेकर के तैयारी कर रहे थे, वैसे स्टूडेंट, तो इसमें तीन तरीके के स्टूडेंट आ गए जिसमें 50% सीट है। और उधर जो 50% सीट जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर वाले ही स्टूडेंट रहेंगे। और अगर हम देखें तो एक डिस्ट्रिक्ट में अगर एक कॉलेज है तो एक साल में सिर्फ और सिर्फ 40 स्टूडेंट ही पास करेंगे, ठीक है। और अगर हम इधर की बात करें तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे कॉलेज हैं और उस कॉलेज में कितने सारे स्टूडेंट एक साल में पास करते होंगे, ठीक है। तो हम लोग जान गए कि हम लोग अगर एग्रीकल्चर से 12th करते हैं तो हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए,
अब हम जानते हैं कि अगर हम ट्वेल्थ में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेते हैं तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेते हैं तो एग्रीकल्चर हमारे लिए जो है अनिवार्य सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। और अनिवार्य सब्जेक्ट में हमारे लिए हिंदी, इंग्लिश और केमिस्ट्री, ये चार सब्जेक्ट आपके लिए अनिवार्य सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको बायोलॉजी, मैथ और फिजिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट जो है आपको ऐच्छिक सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आपको लेना है आप ले सकते हैं ये तीनों में से। लेकिन अनिवार्य सब्जेक्ट, जो जरूरी सब्जेक्ट है आपको लेना है, वो है एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट एग्रीकल्चर ले रहे हैं तो वो बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर वो एग्रीकल्चर, मैथ, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर वो एग्रीकल्चर, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश और केमिस्ट्री, ऐसा तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट वो ले सकते हैं। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में ये विषय ले सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में और कौन से स्कूल में ये कॉलेज में कोर्स अवेलेबल है, एग्रीकल्चर कोर्स जो है कौन कौन से कॉलेज में और कौन डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, ठीक है। तो हम अभी सिर्फ और सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, ठीक है, बिहार के स्टूडेंट के लिए। तो देखिए, ये मुजफ्फरपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, बिहार में, जिसमें आपको गवर्नमेंट इंटर कॉलेज तुर्की में पड़ता है, जिसमें एग्रीकल्चर कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। और देखिए, हमको ये बात जानना ज़रूरी है कि इसमें एडमिशन लेने का तरीका क्या है। तो तरीका ये है कि आप टेंथ करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि आपका जो है बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे होता है, या फिर OFSS एक वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पे जा करके भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबमिट करके जब कट ऑफ लिस्ट आएगा, वो कट ऑफ लिस्ट जो है आपका जो है नंबर बेसिस पे होता है, जैसे कि आपको टेंथ में कितने मार्क्स आए हैं, उस कट ऑफ लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप उस कॉलेज में जा कर के एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सब कोर्स अवेलेबल है। तो मैंने एक मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बता दिया, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज तुर्की। अब औरंगाबाद में है अनुग्रह इंटर स्कूल, ठीक है, औरंगाबाद में। फिर अब आते हैं अररिया। अररिया में प्लस टू लालजी हाई रानीगंज में पड़ता है, उसमें जाकर के आप कर सकते हैं। फिर है अरवल। अरवल में है गवर्नमेंट जीए हाई स्कूल। अब आते हैं बांका में है एचएस मोहनपुर, ठीक है। उसके बाद बेगूसराय जिला में है बीपी इंटर कॉलेज, ठीक है। अब भागलपुर, भागलपुर में है प्लस टू आदर्श उच्च विद्यालय तुलसीपुर यमुनिया, ठीक है, आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं अगर आप भागलपुर से हैं। उसके बाद भोजपुर, भोजपुर में है हरवंश हाई स्कूल चंडी। बक्सर, बक्सर में है आपका राज प्लस टू हाई स्कूल दमरौन। फिर दरभंगा, दरभंगा में है गवर्नमेंट एचएस कोहनता पटोरी। अब आते हैं ईस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण में है गोपाल साह स्कूल मोतिहारी, ठीक है।
अब गया में है, गया में प्लस टू राजकीय एचएस जितकान, ठीक है, जगह का नाम है। फिर गोपालगंज में आते हैं, बीएम इंटर कॉलेज है। जमुई में है प्लस टू राजकीय हाई स्कूल ललहात इडहा। उसके बाद जहानाबाद में है गवर्नमेंट प्लस टू हाई स्कूल हुल्सगंज। उसके बाद कैमूर में है राम दुलारी जगदीश प्लस टू हाई स्कूल मऊड़ा, ठीक है। अब आते हैं खगड़िया में है आपका JNKT प्लस टू स्कूल खगड़िया, लखीसराय, राज किशोरी हाई स्कूल हलसी लखीसराय। किशनगंज में है आपका प्लस टू रूसेल हाई स्कूल किशनगंज, जो कि बहादुरगंज में पड़ता है, ठीक है, मधेपुरा, SNPM प्लस स्कूल मधेपुरा। मधुबनी जिला में है राम प्रसाद दत्त जनता प्लस टू हाई स्कूल जितवारपुर, जो कि मधुबनी में पड़ता है। उसके बाद गवर्नमेंट प्लस टू हाई स्कूल हवेली खड़गपुर मुंगेर, जो कि मुंगेर जिला में है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज तुर्की, ये तो हमने बताया था पहले ही, जो कि मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है। RV हाई स्कूल नालंदा, प्लस टू इंटर स्कूल नवादा में पड़ता है, नरदियागंज नवादा। उसके बाद पटना में है गवर्नमेंट हाई स्कूल नौबतपुर पटना। पूर्णिया में है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो कि पूर्णिया में है। उसके बाद रोहतास में है उच्च माध्यमिक विद्यालय नासिरगंज रोहतास। सहरसा में है जिला स्कूल सहरसा। समस्तीपुर में है RSB प्लस टू स्कूल समस्तीपुर। सारण में है जिला स्कूल छपरा सारण। शेखपुरा में है DMHS शेखपुरा। शिवहर में है श्री गुद्रा जादव SS स्कूल सुनौल सुल्तान शिवहर। सीतामढ़ी में है सीतामढ़ी इंटर प्लस टू कॉलेज दुमरा सीतामढ़ी। सिवान में है आपका BMVT इंटर कॉलेज सिवान। सुपौल में है गवर्नमेंट प्लस टू हाई स्कूल बीरपुर सुपौल। वैशाली में है राजकीय SRACC स्कूल भगवानपुर रत्ती वैशाली। उसके बाद वेस्ट चंपारण में है प्लस टू राजकीय हाई स्कूल कुमरबाग वेस्ट चंपारण। इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये सारे कॉलेज अवेलेबल है। प्रत्येक कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ 40 सीट ही होते हैं। अगर आपके पास 10th में अच्छा नंबर है तो मैं बोलूँगा कि आप ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से करते हैं और आपका अगर BSc एग्रीकल्चर से करना है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके लिए कंपटीशन आसान होगा और आप वैसे सब्जेक्ट पहले भी पढ़ चुके होंगे 12th में जो आपके BSc एग्रीकल्चर में काम आएंगे, ठीक है। अगर इस प्रकार का कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट करें, मैं उस पर नया वीडियो बना दूंगा। अगर आपको किसी भी तरह का एग्रीकल्चर रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम JRF SRF
AFO, ASO, किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।